ये बैकलॉग की मांग कर रहे हो जबकि प्रस्ताव पास हो गया, इसके बावजूद आप संघर्ष कर रहे हो, तो क्या आपको सरकार पर विश्वास नहीं है क्या? ये जो पूरे प्रदेश में SC ST OBC के विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों की संख्या में बैकलॉग के पद रिक्त पड़े, एक तरफ जहां इतने सारे रिक्त पद पड़े हैं, दूसरी तरफ लाखों की संख्या में इस वर्ग के बेरोजगार युवा सड़कों पे आंदोलनरत है। और जो प्रदेश में सरकार है, कांग्रेस सरकार, उनके चुनावी मैनिफेस्टो में भी साफ था कि हम सत्ता में आए तो हम बैकलॉग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करेंगे, लेकिन 4 साल बीत गए, अभी तक बैकलॉग पदों के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, ना विशेष अभियान चलाया गया बैकलॉग पदों को भरने के लिए। और पूर्व में हमने सचिवालय घेराव किया, तब भी CM साहब ने आश्वासन दिया कि हम तुरंत ही बैकलॉग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं। फिर एक पूरे प्रदेश के युवा विभिन्न जिलों से इकट्ठे हुए और एक बहुत बड़ा विधानसभा कूच यहाँ किया। उस दिन एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बुलाया और हमसे वार्ता की, और उन्होंने कहा 15 अगस्त से पहले पहले मैं 500 पदों का समूह गांव के लिए बैकलॉग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करूंगा 15 अगस्त से पहले पहले। और उनके बाकायदा वर्तमान सरकार के 3 विधायक हमारे बीच में आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम मुख्यमंत्री की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं और कि हम आपके बैकलॉग के पदों के लिए 500 पद जो समूह गो वो हम 15 अगस्त से पहले पहले उनके लिए विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री को अभी यही याद दिलाना चाहते हैं कि 15 अगस्त आने वाली है और उन बैकलॉग पदों के लिए जो उन्होंने हमसे विधानसभा कूच में वादा किया था और उनके 3 विधायकों ने हमारे समक्ष आगे समस्त बेरोजगार युवाओं के समस्त आगे घोषणा की थी, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि वो तारीख नजदीक है लेकिन अभी तक बैकलॉग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। और हम साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री को आगाह भी करना चाहते हैं कि अगर बैकलॉग पदों के लिए 15 अगस्त तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो समस्त SC ST OBC पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा सड़कों में उतर के प्रत्येक जिले में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी